नेक्स्ट हम डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन देखते हैं। इसमें दो डिसऑर्डर्स ग्रोथ हार्मोन की इंक्रीज होने की वजह से, इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है? ग्रोथ हार्मोन कब और कैसे इंक्रीज होता है? क्योंकि जाइगेंटिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये सोमैटोट्रोफिक एडेनोमा बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले अगर किसी को सोमैटोट्रोफिक एडेनोमा होता है तो उसमें ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा, जिसमें हाइट इंक्रीज हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है जाइगेंटिज्म में हाइट इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड, ये जो नीचे चीज़ें हैं वो विज़ेरोमेगैली की वजह से थिकनिंग ऑफ द स्किन, स्किन की थिकनिंग हो जाएगी, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी, स्वेट ग्लैंड्स इंक्रीज हो जाएंगे स्किन की थिकनिंग के साथ, हाइपरटेंशन हो जाएगी, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, मसल मास इंक्रीज हो जाएगा उसकी वजह से हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाएगी, मसल मास इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, एंजाइना पेशेंट को रहने शुरू हो जाएगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होने के चांसेस। नेक्स्ट इसकी जो कॉम्प्लिकेशन, जाइगेंटिज्म की कॉम्प्लिकेशन में नेक्स्ट आपको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर पेशेंट के अंदर मिलेगा। उसके अलावा क्या होगा? मैगली का मतलब ये होता है कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन, तो हेपेटोमैगली मिल जाएगी आपको, स्प्लेनोमैगली मिलेगी। नेक्स्ट आपको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, मसल मास इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी मास वैसे विज़ेरोमैगली हो गया तो क्या होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी हो जाएगी, तो आपको डायबिटीज उसकी वजह से इस पेशेंट में नेक्स्ट फ्यूचर में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्रोमैगली में क्या होता है। सोमैटोट्रोफिक एडेनोमा होता है आफ्टर प्यूबर्टी, इसमें क्या होता है? हाइट इंक्रीज नहीं होती, अदर देन दैट इसमें क्या होता है? बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मिलती हैं। तो एक्रल इनलार्जमेंट ऑफ द एक्रल बॉडी पार्ट्स आपको जब मिलेंगे उसमें क्या होगा? फ्रंटल बोसिंग, फ्रंटल बोन का साइज इंक्रीज हो जाएगा, लार्ज साइज आपको नोज, लार्ज साइज टंग एंड लिप्स, ठीक है। ऐसे पेशेंट में जिसमें एक्रोमैगली हुई है आपको सारी विजुअल पार्ट्स जो है ना इंक्रीज, प्रोग्नोसिज्म हो जाएगी, मैंडिबल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, मैंडिबल बोन का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रोमिनेंट हो जाएगा, जिसमें लार्ज साइज हैंड एंड फीट, हाथों के और पाँव के साइज इंक्रीज हो जाएगा। हाइट इंक्रीज नहीं होगी एक्रोमैगली में, क्योंकि ये प्यूबर्टी के बाद सोमैटोट्रोफिक एडेनोमा हुआ, ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी, लीनियर बॉडी मास तो नहीं आएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही होगा। हाइपरटेंशन भी इस पेशेंट को हो जाएगी एक्रोमैगली में, सेकेंडरी हाइपरटेंशन आपको मिलेगी, कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, एंजाइना पेशेंट को रहने लग जाएगा, और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। एंजाइना इस वजह से रहेगा कि किसी पेशेंट का अगर ब्लड सप्लाई उधर, कार्डिक मसल मास इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, कार्डिक डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसको एंजाइना रहने लग जाएगी। हेपेटोमैगली, स्प्लेनोमैगली और बाकी डायबिटीज होने के चांसेस उस पेशेंट में भी। नेक्स्ट इस एडिनोमा को देखते हैं, अगर ये सोमैटोट्रोफिक एडिनोमा, मैक्रो एडिनोमा कब बोलते हैं? जब इसका साइज मोर देन 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है, मोर देन 1 सेंटीमीटर, तो ये हमें इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के भी सिम्टम्स देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर ये साइज कम होगा 1 सेंटीमीटर से, तो फिर हमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर के साइन इंक्रीज नहीं मिलेंगे। अगर किसी में हमें एडिनोमा की वजह से इस सारी चीज़ों के साथ साथ इंट्राक्रैनियल प्रेशर के साइन इंक्रीज मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पिट्यूटरी एडिनोमा उसका साइज 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया हो। अच्छा, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हम इसकी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करवाएंगे मैडोमीडियन सी, और डायग्नोस्टिक इसकी इंसुलिन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हो। इस पे हम इसे डायग्नोस्टिक टेस्ट ये बोलते हैं, इसको हम इसकी इन्वेस्टिगेशन इस पे करेंगे।